अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद अजमत है, मैं कारवान का रहने वाला हूँ। नैन फंक्शन हॉल में जो वाकया पेश आया, दहेज की वजह से दूल्हा लालची है बोल के, ऐसा मेरा कोई ना कोई मांग नहीं थी दहेज की। मेरी कोई भी ये सब बेबुनियाद है। कोई ये सामने लड़की वालों को कोई थर्ड पार्टी आके कोई गलत फहमी हो गई, उनको कोई आके कुछ बोल दिया दहेज की वजह से ये है, ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया है, ऐसा मेरी कोई डिमांड नहीं थी। मेरे सामने बैठे हुए लड़की के भाई मोहम्मद खासिम है। अब ये नाइन फंक्शन हॉल में जो भी हुआ उसमें क्या है मालूम, दहेज के बारे में जो बात उठी इसमें थर्ड पार्टियाँ क्या करें, उसमें बातें उठाएं अफवाहें उठाएं, इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है। तो आप जहेज के ऊपर अपना अल्फाज 10 बार मीडिया के सामने बयान कर रहे थे कि दूल्हा डिमांड करने के वजह से मैं दूल्हा शादी बायकॉट करा, तो ये कितना सच है? तुम बोले तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वसीक है, सही है। पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार ऑफिसर्स भी थे, उनके सामने भी आपका एक बयान बयान था, तो ये कितना सच है? इसमें क्या है मालूम भाई, इसमें थर्ड पार्टी के भी तकरीबन गलतियाँ हैं। थर्ड पार्टी आके क्या है मालूम बोल बताए कि थर्ड पार्टी बोल रहे तो थर्ड पार्टी के वजह से ये शादी कैंसिल हुई, लोगों के भटकावे में आके इसमें रिश्ते टूटे सो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप वो दिन दूल्हे या दूल्हे के घर वालों से बात नहीं कर रहे थे? दूल्हे के घर वाले बात कर रहे थे, फिर बात कर रहे थे, बात करने के बाद जो बीच में बैठे थे वो लोग बात कर रहे थे कि हमारे घर में बड़े नहीं हैं, वो लोग बात कर रहे थे। हमारे घर में बड़े होते तो ये नौबत नहीं आती थी। हमारे घर में बड़े नहीं है, उसमें बड़े भी है तो थोड़ा दिमागी हालत से थोड़ा कमजोर है। थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ सर, दहेज की डिमांड कुछ भी नहीं थी? नहीं भाई, थर्ड पार्टी की तरफ से क्या है, गलत फहमी हो गई बस और कुछ भी। आप अपने स्टेटमेंट में इतने 10 बार बोले, 10 बार बोले, 10 बार हमारे थर्ड पार्टी की तरफ से टेंशन में आ गए थे हम, बस और कुछ भी नहीं। तो आवाम को क्या कहना चाहते हैं? आवाम को ये बोलना है मेरे को, लोगों के भटकावे में आके अपने को ज़िंदगी ख़राब करना नहीं है, पहले ख़ुद फैसला करना, सामने बैठ के आँख से देख के कानून से सुन के फैसला करना, बस यही है मेरा बोलने का। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे को दिल में दुश्मनी उश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी क्या है मालूम, हमला कंप्रमाइज कर रहे हैं, हमारे को दिला साफ़ करना है बस और कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ वापस करेंगे? नहीं नहीं, रिश्ता नहीं साहब, रिश्ता नहीं कर सकते हम, माफ़ी चाहते, रिश्ते की हद तक तो हम बात भी नहीं कर सकते, बरल हम कंप्रमाइज़ करना चाह रहे हैं, अब आगे कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, बस दिला साफ़ करना है हमको, ऐसा कुछ भी नहीं।